बातें प्रमुख जो निकल कर सामने आई, पहली बात तो आपने जब कह दिया कि गुरुग्राम में घोटाले हुए हैं तो उनको गिनवा दीजिए तथ्यों के साथ, है ना। और दूसरा अभी कहा कि आप लोग तो गांधी परिवार को बचाने की राजनीति करते हैं, आप भी शायद दीपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर बैठे थे जिस वक्त जो ईडी जांच कर रही थी, उस वक्त आप भी दिल्ली गए थे, तो क्या केवल उनको बचाने के लिए राजनीति है? अगर जांच से डर नहीं तो इस तरह के फिर विरोध प्रदर्शन क्यों, ये भी सवाल। मैं एक बात सीना ठोक के कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अम्मू जी आप मुख्यमंत्री से पहले बात करके ये मैं घोटालों की लिस्ट दूंगा मैं आपसे, और मैंने विधान मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जो बाद्दी से विधायक है उनसे मैं कह रहा हूँ मैं लाके दूंगा आपको। सूरजपाल अम्मू जी आप गुस्सा नहीं हुई? अभी गुस्सा नहीं हो रहा, नहीं अभी सुनिए, प्लीज आप सुनिए, आपकी आवाज ऐसी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आपको वक्त दिया, इनका इनका समय है, आप नहीं, आप 75 साल दबे हैं साहब, 60 साल बड़े जुल्म से हैं साहब, आपको जब टाइम मिले ना इमरजेंसी अपनी बाबा से जाइएगा, पता नहीं क्या क्या जुल्म सहे हैं, बहुत सहे हैं जुल्म बहुत सहे हैं। बिल्कुल चलिए ठीक है, आपको समय देंगे तब आप बताइएगा कुलदीप बच्चे। मैंने विधानसभा में पूरे तथ्यों के साथ जो आप जाते हैं गुड़गांव से फरीदाबाद की तरफ, मेरे हिसाब से 8 साल हो गए जब से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कहा पावर प्लांट लगेगा और मेरे साथी से मैं कहूंगा अपनी जानकारी दुरुस्त करें और सच्चाई से ईमानदारी से और दिल पे हाथ रख के क्या वहां आज मेरे हिसाब से 1000 से 1500 करोड़ रुपए के करीबन के बिल पास हो चुके, क्या वो कूड़े का ढेर उठा वहां से, पुल का पिलर गिरा, 2 बार गिरा, बनते बनते गिरा, आपके विधायक जाके वहां कहते हैं कि भाई यहां इसमें घटिया मेटल लग रहा है, क्या कार्रवाई करी, क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद मैंने विधानसभा में उठाया, आज मैं कहना चाह रहा हूं इनके आपके माध्यम से, पूरे हरियाणा के लोग जो ठेकेदार हैं ये कहते हैं हमारी ईमानदारी की गवर्नमेंट है, एक हिसार धरना चल रहा, कुरुक्षेत्र धरना चल रहा, करनाल में सारे इकट्ठे होके आए कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही PWD&R की, हमारे से 10% कमीशन मांगा जा रहा है, मैंने विधानसभा में खुद उठाया विद इन प्रूफ दिया, तो भाई नेताओं पे कार्रवाई कब होगी? अब रुको आप दे देना उंगली तो खड़ा कर रहा हूं सर। हाँ उंगली तो तुम आपके एमए भी कर लो, आप बड़े भाई हो उंगली करो। उसके बाद धान घोटाला हुआ, क्या हुआ आपके गृह मंत्री जी शराब घोटाला, मैंने खुद विधानसभा में उठाया और प्रूफ दिए, तो क्या हुआ उसका रजिस्ट्री घोटाला, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना कि हाँ घोटाला हुआ है, क्या हुआ उसका? देखिए सीएम साहब आई थिंक आपको वक्त तो दिया, मैं आपको देखिए मैं मुख्यमंत्री जी का कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो, जी का धन्यवाद करता हूं, तो घोटालों को सामने लाते हैं देखिए, और विरोधी अगर सामने लाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अगर मैंने एक बात कही कोई अच्छी बात की तो मैंने एक बात कही ना, मैं एक चीज का धन्यवाद करता हूँ, मैंने हरियाणा में मैं इस चीज के लिए अनिल विज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, मुझे आपके मित्र का, और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस के DGP हों चाहे वो ADGP हों या SSP हों, मेरा एक मुद्दा था और मेरा मुद्दा आज भी है अपराध मुक्त और नशा मुक्त मेरा हरियाणा हो, मेरा बादली हो। मैं पिछले 1 महीने से मैं संतुष्ट हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए, ताले की बात नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल आदमी और पुलिस चाहे वो अपराध हो चाहे वो नशा हो वो बढ़ता, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी हम लोगों की होती है और इसके लिए मैंने कदम उठाए, आगे बढ़े अभी छोटे छोटे जवाब दे देंगे ताकि देखिए, मैंने इस चीज में कदम उठाए और आज जो कार्रवाई हो रही है जी, मैं अपने बादली की बताता हूँ, मेरे बादली में वास्तव में दोनों चीजों पर कंट्रोल हुआ जी, बादली पर भी आएंगे, मैं आ रही हूँ बादली पर भी आऊंगी, अच्छी चीज के लिए हम कोई वो नहीं है, पर जो भ्रष्टाचार की बात है मैं कहता हूँ आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, दोनों चीज जहाँ तक इन दोनों ही इन्होंने बात की या राहुल गांधी जी, दोनों आरोपों पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूँ, गांधी परिवार पर गांधी आ जाएंगे हम, है ना, वो आप जवाब, लास्ट में कहता हूँ अपने नेता के लिए, हम नहीं जाएंगे तो अम्मू जी थोड़ी जाएंगे, बचाने के लिए जाना चाहिए, ठीक है सूरज पहले मुझे आप बीच में रोक बचाने लेते हैं, लेकिन नवीन जी के पास मैं नहीं जा पाती हूँ, अभी मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, इन्होंने दो बातें की, पावर प्लांट
पावर मनोहरलाल जी और मोदी जी के पास है, प्लांट बहुत सारे लग चुके हैं, लगेंगे भी, चिंता ना करो। एक बात जी। दूसरी बात जी। इन्होंने कहा फ्लाईओवर गिर गया, उसके ऊपर कितना जुर्माना हुआ मेरे मित्र कहेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, हरियाणा सरकार के विभाग ने और केंद्रीय जो सड़क परिवहन जो निर्माण संस्था है, जो गडकरी जी जिसके मंत्री हैं, उन्होंने NHAI ने उनको उसके ऊपर जुर्माना लगाया। दूसरा, आज राजीव चौक से आप सोना जाते हैं, सुखबीर भाइयों, वत्स साहब हो, जवाहर जी हो, हम लोग हो, प्रतिमा आप भी हो और आपके पूरे लोग हो, आज हम 12 मिनट के अंदर सोना के अंदर पहुंचते हैं। 3,000 करोड़ रुपए का इतना सुंदर रोड बन गया दुनेला से लेके। अरे सुनो सर, मैंने धैर्य से सुनो, गवर्नमेंट आप तो करोगे कौन, एहसान नहीं कर रहे, संतुष्ट करेगा कौन फिर, संतुष्ट ऐसा मेरे को बता दो। ये बात नहीं सर, सुनो, मैं नवीन जी से सवाल करना चाहता हूं। रोड बनाया सूरज पैलम से, सूरत हाईवे बन गया, उसका आपको धन्यवाद, ये जो अच्छा करेंगे उसका क्रेडिट तो दो ना का। सुन लो मैडम, मैं कह रहा हूं गडकरी जी भी तो नहीं है ना, नहीं वो इनका नहीं है, इसकी बात की नहीं है, जो काम अच्छे कर रहा है। मैं नितिन गडकरी जी का मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। चलो सर, एक मिनट रुको, सर एक सेकंड रुको, मनोहर लाल जी ने मनोहर लाल जी ने गडकरी जी का धन्यवाद किया, मनोहर लाल जी ने वृद्धा पेंशन के अंदर घोटाले थे, वृद्धा पेंशन लोगों